एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने अवनीश अवस्थी और जय वाजपेयी की फोटो पर उठाए सवाल। योगी सरकार से की फोटो की जांच की मांग। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है फोटो। जय वाजपेयी विकास दुबे का है बेहद करीबी। कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हो गया, लेकिन अमिताभ ठाकुर की पत्नी और सोशल एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और विकास दुबे के खास माने जाने वाला कानपुर निवासी जय वाजपेयी के साथ वायरल हो रही फोटो पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे अपने पत्र में नूतन ने कहा है कि जय वाजपेयी विकास दुबे का बहुत नजदीकी और मुख्य खजांची बताया जा रहा है, जिसके द्वारा घटना के बाद विकास दुबे के परिवार को भगाया गया। फिलहाल वो एसटीएफ की कस्टडी में है, जहां उससे इन बिंदुओं पर पूछताछ जारी है। नूतन के अनुसार इसी बीच अवनीश अवस्थी और जय वाजपेयी की निकटता वाली एक तस्वीर सामने आई, जो अवनीश अवस्थी के हाल की एक पारिवारिक समारोह की बताई जा रही है, जिसमें जय वाजपेयी को भी बुलाया गया था। नूतन ने इस तस्वीर की सत्यता की जांच करवाए जाने और तस्वीर की फर्जी नहीं होने पर श्री अवस्थी को न्यायहित में गृह विभाग से अलग करते हुए जय वाजपेयी जैसे अत्यंत संदिग्ध व्यक्ति से उनकी निकटता की पूछताछ किए जाने का अनुरोध किया है। विकास दुबे को भगाने व उसके प्रमुख सहयोगी के रूप में जय वाजपेयी का नाम सामने आ रहा है, जिससे एसटीएफ पूछताछ कर रही है। उसी जय वाजपेयी के साथ प्रमुख सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी का फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि यदि फोटो सही है तो प्रमुख सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी को उनके पद से हटाते हुए जय वाजपेयी के साथ उनके संबंधों को लेकर पूछताछ की जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ ठाकुर ने भी कुछ दिन पहले डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को पत्र लिखकर क्षेत्राधिकारी बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा द्वारा लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए पूर्व एसएसपी अनंत देव की जांच की मांग की थी। आपको ये भी बता दें कि पत्र में चौबीपुर के थाना प्रभारी और विकास दुबे के संबंध का जिक्र था। विनय तिवारी पर विकास दुबे पर दर्ज मुकदमे में से गंभीर धाराओं को हटवाने का भी आरोप था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। Thank you.